फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ हॉट एंड स्पाइसी बफेलो चिकन विंग्स। इसके लिए मैंने ये 10 पीसेस चिकन विंग्स ले लिए हैं और इस तरह के चिकन विंग्स होते हैं और मैंने इन्हें काट लिया है। मैं आपको इसे काट के दिखा देती हूँ कि इसे किस तरह से काटना है। ये देखें आप, इस तरह से चिकन विंग्स हैं। इसको किस तरह से काटना है मैं आपको बता देती हूँ। ये पहले ये जो साइड है इसे काट लेते हैं, ये जॉइंट होता है इसे इस तरह से कर ले, आसानी से कट जाता है। ये देखिए, ये अलग कर दिया मैंने। अब इसकी स्किन काट लेंगे। ये देखिए, मैंने स्किन काट ली है और इसे इस तरह से कर देंगे, जिससे कि हमें जॉइंट पता चल जाए और हम उसके हिसाब से इसे काट लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे काट लिया है। ये चिकन विंग्स रेडी है बिल्कुल। इसे हम हटा देंगे। ये इस तरह के आपको जो पीसेस निकला है, आप इसे चिकन स्टॉक बना के भी रख सकते हैं। आइए अब इसको, इसमें जो मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, चिकन विंग्स में अब हम मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और ये मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो वो ले लें। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। इन सबको इसमें ऐड कर देंगे। कश्मीरी चिली जो ली है मैंने, इसके लिए ली है कि इसमें जो अच्छा सा एक कलर आ जाए जब हम इसे फ्राई करेंगे। साथ ही में मैंने ये लिया है 3 टेबल स्पून मैदा, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। पहले ये मसाले इसमें मिक्स कर दें। अब इसमें हम मैदा ऐड कर देंगे। मैदे से अच्छे से कोट कर दें। हम जब इसे फ्राई करेंगे तो इसे क्रिस्पी कर लेना है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने सबको मिक्स कर दिया है। ये अच्छे से मैदे से और जो मसाले डाले थे उससे कोट हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमें डीप फ्राई करना है, इसके लिए मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम चिकन फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में करीब 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। चिकन अच्छे से गल भी जाए और फ्राई भी हो जाए टेस्टी। ये देखिए, चिकन विंग्स फ्राई होते हुए करीब 8 मिनट हो चुके हैं। इसको बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी बहुत हो गए हैं। इसे 8 से 9 मिनट जरूर फ्राई करें, जिससे ये अंदर से अच्छे से गल भी जाए। ये अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। जो बाकी के रह गए पीसे उन्हें भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम
सॉस रेडी करेंगे, जो बफेलो सॉस बोलते हैं उसे रेडी कर लेंगे। चिकन पहले से ही फ्राई करके रख लिया है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून बटर, फ्लेम को स्लो ही रखें बिल्कुल। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें बाकी की चीजें ऐड कर देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे हॉट सॉस। ये मेरा होममेड हॉट सॉस है, आपको इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, काफ़ी स्पाइसी होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे साथ ही में इसमें डाल रही हूँ मैं गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। सबको मिक्स कर ले अच्छे से पहले। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट डालते हुए आप ध्यान रखें कि जो चिकन था उसमें भी हमने सॉल्ट ऐड किया था फ्राई करने से पहले, और सॉस होता है हॉट सॉस उसमें भी थोड़ा सॉल्ट होता है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शक्कर। ये देखिए सब चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें हमने जो चिकन फ्राई करा था उसे ऐड कर देंगे। ये देखिए चिकन ऐड कर दिया है इसमें, अब सब सॉस में अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैंने स्लो करके रखा हुआ है, बंद नहीं है गैस। ये देखिए स्पाइसी से चिकन विंग्स रेडी है बिल्कुल। ये देखिए जो चिकन विंग्स है इसके ऊपर जो सॉस है अच्छे से कोट हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से चाहिए था हमें। ये बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हॉट एंड स्पाइसी बफेलो चिकन विंग्स बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, तो आप लोग अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आप मेरे चैनल को देखते रहें, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, एंजॉय करें। बफेलो चिकन विंग्स, विश यू वास किचन, थैंक यू।